हेलो फ्रेंड्स, नीलम रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम चावल का आटा या राइस फ्लोर बनाएंगे जो डोसा, चीला और पकौड़ियों को क्रिस्प करने के काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चावल लिया है। आप कोई सी भी वैरायटी का चावल ले सकते हैं। मेरे पास घर पे इस तरह का चावल था, मैंने इसको लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप बासमती चावल ही लें, आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं। फिर इसको धो करके 6 से 7 घंटे या ओवरनाइट पानी में भिगो के रख दीजिए। चावल मेरा भीग के तैयार हो गया है और इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने छलनी से छान के निकाल लिया है। देखिए, पर अभी ये गीले हैं बिल्कुल। अब हम इसे सुखाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक सूती कपड़ा लिया है, इसको इसमें डाल देंगे। सारा चावल डाल देंगे इसमें और इसको फैला लेंगे। इसको बिल्कुल पतला पतला करके फैलाना है ताकि ये जल्दी सूख जाए। अब हम इसको पंखे की हवा में 2 घंटे के लिए सूखने देंगे। इसको धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है, पंखे की हवा में मैं इसको 2 घंटे सूखने देंगे। दो घंटे बाद चेक करते हैं। देखिए, दिख रहा है ना, बिल्कुल सूखा हुआ चावल। हाथ लगा के भी चेक कर लेते हैं इसको। देखिए, चावल बिल्कुल सूख गया है, हथेलियों पे बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, पर अभी इसमें मॉइस्चर है। अब हम क्या करेंगे, मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार में चावल डाल देंगे और बिल्कुल फाइन पाउडर करके इसको पीस लेंगे। मैंने मिक्सर जार में इसको पीस लिया है, पर यह बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको छलनी से छान लेंगे। मैंने ये स्ट्रेनर ले लिया है, अब हम इसको छान लेते हैं। इससे पाउडर नीचे आ जाएगा और जो चावल का जो मोटा पार्ट रह गया है वो छलनी में आ जाएगा। देखिए, जो छलनी में बचा है इसको हम क्या करेंगे, वापस पीसेंगे। देखिए, ये बिल्कुल पाउडर नहीं है, मोटा है ये थोड़ा, तो हम इसको वापस पीस लेते हैं। अब मैंने ये वापस पीस लिया है और इसमें डाल दिया है। हमारा चावल का आटा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आप इसको पूरे दिन के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दें ताकि इसका मॉइस्चर निकल जाए और फिर एयर टाइट कंटेनर में भरकर कई महीनों तक हम इसको यूज़ ले सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।